हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों बोर्ड का चैप्टर वन। इंग्लिश सब्जेक्ट है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फंडसन ने। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईश्वर के प्रति विश्वास, यानी ईश्वर के प्रति जो एक गरीब किसान, हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रमी किसान का जो ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग इसमें देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो चैप्टर है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ध्यान से आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को, और मैं एक एक लाइन आपके समक्ष इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, द हाउस यानी घर। अब देखिए इसके आगे डैश दिया है, दो जगह डैश दिया है, यहाँ पे द हाउस और यहाँ तक वैली के बाद तक दिया है। तो इसका मतलब क्या है, द हाउस घर के बारे में बता रहा है। द हाउस द ओनली वन इन इंटायर वैली, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, वैली मतलब होता है घाटी। घर जो पूरे घाटी में एक ही घर है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो स्थित है क्रेस्ट ऑफ लो हिल यानी लो हिल, यानी इसका मतलब यह है कि निचली पहाड़ी के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता है द रिवर यानी नदी को, एंड द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न यानी पके हुए खेत अनाज वाले खेतों को देखा जा सकता है। कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर यानी वह अनाज जो अभी फूलों से लदे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, जो भविष्य में एक अच्छा फसल होने का एक वायदा करते हैं। द ओनली द थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पुअर और एट लीस्ट अ सावर, जो पृथ्वी को सिर्फ एकमात्र चीज़ की जो आवश्यकता थी वह थी मूसलाधार बारिश, नहीं तो कम से कम, एट लीस्ट मतलब होता है कम से कम कुछ बौछारों की। थ्रो आउट मॉर्निंग लेंचो, देखिए उस किसान का नाम है लेंचो, जो बहुत ही कठिन परिश्रमी किसान है। यहाँ पे देखिए वो क्या कहते हैं कि थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपनी खेतों को बहुत ही घनिष्ठता से जानता है। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यानी जो उत्तर पूर्वी की तरफ जो बादल जा रहे थे, आसमान जा रहे थे, उन आसमान को देखने के सिवा उसने कुछ भी नहीं किया। आगे देखिए वो क्या कहता है, वो घर में आता है, उसको देखने के बाद घर में आता है, और घर में आने के बाद वो क्या कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमैन 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 यहाँ पर वो अपनी पत्नी को कहता है कि वास्तव में अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वोमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब होता है रात्रि का भोजन, वह जो महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही है, रिप्लाइड यानी जवाब देती है, यस हाँ गॉड विलिंग, अगर ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे यानी लड़कों की बात कर रहे हैं, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और वहीं पे जो छोटे लड़के थे, जो छोटे बच्चे थे, वो घर के पास वो खेल रहे थे, नियर द हाउस यानी खेल रहे थे। अनटिल द वोमैन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और तब तक वो खेलते रहे जब तक वो महिला यानी उनकी माँ फॉर डिनर यानी रात्रि के भोजन के लिए तब तक नहीं बुलाती है, तब तक वो खेलते हैं। इट वाज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्ट, प्रेडिक्टेड लिखा है यानी इसका मतलब होता है भविष्यवाणी, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदें गिरनी शुरू होती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी की तरफ पहाड़ यानी जो बादलों के जो पहाड़ हैं
वो पहुंचते हुए उसने देखा द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत ही ताज़ी थी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी मैन यहाँ पे लेंचो के लिए कह रहा है। द मैन वेंट आउट, बाहर गया, यानी जो लेंचो था वो बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जो बारिश की बूंदें जो पड़नी शुरू हो गई थी उनको अपने शरीर पर लेने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए वो घर से बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया वो खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था। दीज आर रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह रेन ड्रॉप यानी बारिश की बूंदें जो अब आसमान से गिर रही थी। देयर आर न्यू क्वाइन, वो जो लेंचो है उनको क्या मानता है, दे आर न्यू क्वाइन, वे नई सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, और जो 10 सेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है 10 सेंट, यानी जिस जगह पे लिखा गया है वहाँ पे रुपए, जैसा कि भारत में रुपए कहते हैं वहाँ पे रुपए नहीं कहा जाता है, वहाँ पे सेंट कहा गया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं, छोटी जो बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि भरा भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, वो उनको धन्यवाद करता है जो फूलों से लदे हुए जो जो कॉर्न होते हैं, फसल होते हैं। ड्रैप इन अ कर्टन ऑफ रेन, अब वो बारिश से वो लद जाते हैं, यानी पानी से वो लद जाते हैं। बट सडनली, लेकिन अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा, यानी बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अब तेज हवा बहनी शुरू हो जाती है। एंड एलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और जल्द ही बड़ी बूंदें, यानी हेलस्टोन मतलब होता है ओले, या हम पत्थर कहते हैं। जैसे कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि कभी मौसम कुछ अलग सा हुआ होता है तो उस समय हम पत्थर पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसी को हेल स्टोन बोला गया है, उसी को हम लोग ओले भी बोलते हैं। आगे मैं ओले ही बोलूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, और जल्द ही ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डी रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, फिर भी उन ओलों को देख के भी लेंचो और खुश होता है और उनको क्या कहता है कि दिस ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, यह वास्तव में नई चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, जो लड़के होते हैं वो अपने आप को बारिश के नीचे खुला छोड़ देते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर, और दौड़ के जाते हैं और उन मूर्तियों को इकट्ठा करते हैं। फ्रोजन पर मतलब होता है मोती, पर्ल्स मतलब होता है मोती, यानी वो मोतियों को इकट्ठा करते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब देखिए जब लेंचो को खेतों को पानी की आवश्यकता थी, यानी कुछ ना कुछ बौछारों की आवश्यकता थी, और बारिश आई भी लेंचो बहुत ही खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो हवा था वो तेज़ बहना शुरू हुआ, और उसके बाद क्या होता है कि पत्थर यानी ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। जब ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा पड़ने लगते हैं, तब देखिए लेंचो क्या कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पास क्विकली, मुझे आशा है कि बहुत जल्दी पास हो जाएगा, यानी चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह बहुत ही जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, एक घंटे तक घर के ऊपर वो बरसता रहा। द गार्डन बगीचे की तरफ भी बरसता रहा। द हिल साइड पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड और जो अनाज वाले जो खेत थे उस पर भी पड़ता रहा। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में भी बरसता रहा। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत थे अब वो सफ़ेद हो चुके थे। एज इफ
कवर्ड विद साल्ट, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो नमक से ढक गया। कवर्ड मतलब होता है ढकना, साल्ट मतलब होता है नमक, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो नमक से पूरी तरह से ढक गया है। अब आगे देखिए, नॉट अ लीव रिमेन ऑन ट्री, और पेड़ों में अभी एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से जो फूल थे वो भी जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, और जो लेंचो का जो आत्मा था, आत्मा यहाँ पे सोल मतलब आत्मा होता है लेकिन हम यहाँ पे हृदय सब कहेंगे। लेंचो सोल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो हृदय था और पूरी तरह से दुख से भर चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ फील्ड, वो खेतों के बीचों बीच खड़ा था। एंड सैड हिज सन्स, और अपने बेटों से कहता है, क्या कहता है देखते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो टिड्डियों का जो हमला होता वो भी कुछ ना कुछ छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस उन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। देखिए वो कितना दुख हो के इस बात को अपने बेटों से कहता है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हम लोग को भी कोई अनाज नहीं मिलेगा। यानी अब जब इस तरह से उसके फसल पूरी तरह से जब नष्ट हो जाते हैं, तब यह बात लेंचो कहता है कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो जो रात थी बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी हमने काम किया है उसका अब कुछ भी नहीं मिलेगा। नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, उसका अब कुछ भी नहीं मिलेगा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सभी भूखे रहना पड़ेगा। अब देखिए इसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ओरल कंप्रेहेंशन के चेक, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब यहाँ पर वो कहता है, जब इसके पहले कहता है कि हम अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, यहाँ पे अब क्या कहता है, उसके दिमाग में एक बात आती है, वो यही कहता है कि बट, लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द सोलिटरी हाउस, लेकिन वह जो सबके हृदय में रहता है, सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी पूरी घाटी के बीचों बीच घर में भी रहता है, देयर वॉज अ सिंगल होप, वही एकमात्र आशा है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता की। अब वो देखिए ईश्वर के अंदर वो लेंचो कितना विश्वास करता है, अटूट विश्वास करता है, और वो कहता है कि वही एकमात्र आशा है, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा उदास मत हो। इवन थॉट दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, भले ही सब कुछ खत्म हो चुका है, रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाज दे से, ऐसा वो लोग कहते थे, यानी जो लेंचो के जो पूर्वज थे वो उन लोगों की बात कह रहा है कि ऐसा वो लोग कहते थे कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी रात लेंचो थॉट ओनली इज वन होप, वह एकमात्र आशा के बारे में पूरी रात वो सोचता रहा। कौन सी आशा के बारे में? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता की। हुज आइस, देखिए क्या कहता है लेंचो, हुज आइस, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो निर्देश देती हैं, सी एवरीथिंग, सारी चीज़ें देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यानी यहाँ तक कि वो किसी के अंतर आत्मा के बारे में भी जान लेती हैं, जिसकी आंखें, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, जो लेंचो है, देखिए यहाँ पे कैसी बात कहा गया है, कितना सुनने में कितना कैसा लग रहा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक आदमी के रूप में एक बैल था।
वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो फिर भी जानता था कि लिखते कैसे हैं। यहाँ पे राइटर ये बताना चाहता है कि लिंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था, और भले ही वह किसान था लेकिन इतना तो जानता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को एट डे ब्रेक सुबह के समय में ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। लिंचो अगली जो अगला रविवार है उस दिन वो पत्र लिखता है, पत्र लिखना शुरू करता है। ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, वो उसको खुद कस्बे, टाउन मतलब होता है कस्बा, वो खुद कस्बे की तरफ ले जाता है और उसको पत्र पेटिका में डालता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह सिर्फ एकमात्र लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को एक लिखा हुआ एक पत्र ही नहीं था। उसमें क्या लिखा था, उस लिंचो का जो पत्र था उसमें लिंचो ने क्या लिखा था, कुछ इस तरह से, जैसे हम लोग कहीं लिखते हैं तो जैसे हम अप्लीकेशन लिख रहे होते हैं तो लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका नाम लिखते हैं द प्रिंसिपल। इसी तरह से लिंचो भी लिखता है, देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है गॉड, वो क्या कहता है गॉड ही रोट, उसने लिखा क्या लिखा, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली, देखिए बहुत ही दुख भरी बात इसने लिखा है, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे, आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर ऑफ सो माई फील्ड अगेन, हमें 100 पीसोस, यहाँ पे पीसोस इसलिए कह रहा है कि जहाँ पे ये कहानी लिखी गई है वहाँ पे रुपए ना कह करके वहाँ पे पीसोस कहा गया है, तो अब उसे 100 पीसोस की आवश्यकता है। वो क्या कहता है लिंचो, एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, हमें 100 पीसोस की आवश्यकता है अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक के लिए 100 रुपये चाहिए जब तक हमारे खेतों में अनाज नहीं आ जाते हैं, बिकॉज द हेल स्टोन, क्योंकि ये जो हेल स्टोन है, स्टॉर्म, हेल स्टोन मतलब यानी जो ओले हैं, ओले पड़े हैं, देखिए इसमें डॉट 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 आगे किया है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी पूरी कहानी उसमें बता देता है। ही रोट टू गॉड, और उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप यानी लिफाफे के ऊपर लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, और वो उस पत्र को पत्र पेटिका के अंदर डाल लेता है। स्टिल ट्रबल, थोड़ी सी परेशान, ही वेंट टू द टाउन, यानी वो टाउन जाने के बाद थोड़ी सी परेशानी उठाने के बाद वो उसमें डाल लेता है। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, उस मेल बॉक्स यानी पत्र पेटिका होता है उसमें डालने से पहले वो क्या करता है, उस पर वो स्टंप भी लगाता है, यानी जो टिकट मोहर जो लगाते हैं वो चीज़ वो लगाता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ एम्प्लॉय, उन्हीं में से एक कर्मचारी हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो हेल्प किया करता, कुछ सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास जाता है और ठहाके लगा के हंसता है, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर को लिखा हुआ पत्र भी वो उसको दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन डाकिये के रूप में उसने हैड ही न्यू दैट एड्रेस, उसने बहुत सारे एड्रेस यानी पते को देखा लेकिन ऐसा पता नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर यानी जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट एमिएबल यानी एक मोटा, और एक एमिएबल मतलब होता है
कि मित्रता पूर्वक रहने वाला आदमी यानी मित्रतापूर्ण फेलो यानी मित्रवश वो फेलो था। ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, वो भी बहुत ही तेज हंसना शुरू करता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अगले ही पल वो सीरियस यानी गंभीर हो जाता है, टाइपिंग लेटर ऑन हिज डेस्क और अपने हाथों को थपथपाने लगता है डेस्क के ऊपर, वो पत्र के ऊपर वो थपथपाने लगता है सीरियस होने के बाद। कमेंटेड और कहता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी विश्वास होता है उसी के जैसे जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंट विद गॉड, जिसने कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार करना शुरू कर दिया है विद गॉड यानी भगवान से, किसी और इंसान से नहीं बल्कि वो भगवान से पत्राचार करना शुरू कर दिया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और इस तरह से राइटर फेथ इन गॉड और उस तरह से ईश्वर के प्रति यानी राइटर यहाँ पे कौन है, लेंचो की बात कर रहा है कि क्या विश्वास है ईश्वर के अंदर। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, एंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का, एंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का। इट ही नीडेड सम मोर देन, थोड़ा सा एक लाइन पीछे पढ़ दिए आगे देखते हैं। व्हेन ही ओपन इट, जब वह इसको खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू एंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर, और जब वो उसको खोलता है तो देखता है कि और भी चीज़ों की आवश्यकता थी, यानी सिर्फ इंक और पेपर की नहीं बल्कि इसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिम हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह उसका हल निकालने के लिए वो निश्चय होता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वह अपने कर्मचारियों से मनी यानी धन के लिए कहता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह खुद भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें देने के लिए कहता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और चैरिटी मतलब होता है दान, और दान के रूप में जितने भी उसके जो मित्र होते हैं वो अपनी सैलरी का कुछ ना कुछ हिस्सा देते हैं। किस लिए देते हैं, लेंचो की मदद करने के लिए। जैसा कि जब वो पत्र खोल के जब देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो लेंचो का जो विश्वास है ईश्वर के प्रति और उससे जो 100 पीसोस मांगे गए हैं उसी को मदद करने, क्योंकि वो जानते हैं इस पत्र का जवाब तो जाएगा नहीं, क्यों ना इस व्यक्ति की मदद हम ही लोग कर दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसोस, और यह संभव नहीं था कि वो 100 पीसोस उसमें इकट्ठा कर सकें। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन इस तरह से वो आधे से ज़्यादा, यहाँ पे देखिए लिखा है लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से ज़्यादा वो उसमें धन रखने में समर्थ हो पाते हैं। ही पुट द मनी इन एनवलप एड्रेस टू लेंचो, और लिफाफे के अंदर उस धन को रखते हैं टू लेंचो यानी लेंचो के लिए। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और वहाँ पे उसमें लिफाफे के अंदर उसको रखने के बाद वो एक ही सिग्नेचर करते हैं और उस सिग्नेचर होता है किसका, गॉड का। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए इसमें। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्ली देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और लेंचो पहले ही इस संडे को पहले ही वहाँ पर, हमेशा की तरह नहीं बल्कि उसके पहले ही आ जाता है और वो पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र है
इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, और वहाँ पे जो पोस्टमैन होता है वो खुद उसको एक पत्र उसके हाथों में देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, और वो अपने आप में वो सोचता है कि उसने एक अच्छा काम किया। पोस्टमैन की बात कर रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा काम किया है उसका मदद करके। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वह जो ऑफिस से वो देख रहा होता है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, लंचो जब उस पत्र को पाता है तो क्या क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। लंचो शोड नॉट द स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लंचो जब उसको देखता है यानी पत्र को खोलता है उसमें पैसे देखता है तो आश्चर्यचकित नहीं होता है वो, यानी उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता है कि ईश्वर ने हमें पैसे दिए हैं, यानी हमारे पत्र का जवाब ईश्वर की तरफ से आ गया है। वही हमें ईश्वर अगर हमारे लिए कोई पत्र भेजे तो हमें बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात होगी, लेकिन लंचो को ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज़ हो जाता है। व्हेन ही काउंट द मनी, कब नाराज़ होता है, जब वह मनी को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कोई भी मदद नहीं गलती नहीं कर सकता है। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कोई भी गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड, और ना ही वो गलती कर सकता है और ना ही वो नाराज़ हो सकता है कि उसने जिस चीज़ के लिए वो डिनाइड मतलब होता है इनकार करना, और ना ही वो इनकार कर सकता है जिस चीज़ के लिए उसने रिक्वेस्ट किया था यानी प्रार्थना किया था निवेदन किया था। इमीडिएटली, और तुरंत ही लंचो वेंट ऑफ द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। लंचो तुरंत इमीडिएटली मतलब होता है शीघ्र या तुरंत, लंचो तुरंत वहाँ पे जाता है विंडो यानी खिड़की के पास जाता है और पेपर और इंक यानी पेपर और स्याही मांगता है, लेता है वहाँ से। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल यानी जहाँ पे जनता अपने पत्रों को लिखती है उस टेबल पे जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, वो फिर से पत्र लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकली ऑफ हिज बो, जो आँखों के ऊपर की जो भौवें होती हैं उनको सिकुड़ते हुए वो लिखता है। कचेज बाई द एफर्ट ही हैड मेड एक्सप्रेस ऑफ हिज आइडिया, और उसका जो विचार था जो उसका जो प्रयास था उसके बारे वो चीज़ वो उस पर एक्सप्रेस करता है यानी व्यक्त करता है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो लिखना ख़त्म करता है ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास जाता है। टू बाई अ स्टैम्प, और एक स्टैम्प खरीदता है। विच लीग्ड एंड देन एफिक्ड टू, वो अपने थूक से उसको उस पर लगाता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ चित्रों में कुछ दिखाया जा रहा है। लीग्ड अपने थूक से उसको चिपकाता है उस पर। एनवलप विद द बो ऑफ फिस्ट, और उस पर मुक्के मार कर वो उसको चिपकाता है। द मोमेंट द लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स, और यह वह क्षण था जब पत्र को फिर से पत्र पेटिका के अंदर डालना था। द पोस्ट मास्टर डाल दिया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और उसके डालने के बाद जब वो चला जाता है तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट हो जाता है और इसको खोलता है। इट सैड, और कहता है गॉड ऑफ द मनी। वहाँ पे देखिए क्या होता है, जब वो पत्र लिखता है तो पत्र लिखता है उस समय की बात है या क्या कर रहा है, इस लाइन को मैं फिर से दोबारा पढ़ रहा हूँ। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सैड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर। अब जब वो खोलता है तो उसमें क्या लिखा है कि भगवान ऑफ मनी दैट आई आस्क फॉर, जो पैसे यानी जो धन मैंने आपसे मांगा था जितना मांगा था, ओनली 70 पीसो रीच मी, उसमें से सिर्फ 70 पीसोस, देखिए उसमें इसके पहले लिखा गया था हाफ दैन मोर यानी आधे से ज़्यादा इसके पहले, तो वही यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओनली 70 पीसोस रीच मी, हमारे पास तो सिर्फ 70 पीसोस ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट,
बाकी के बचे हुए जो धन है वो मुझे दोबारा भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मेल के जरिए मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक, यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो डाकुओं का समूह है इनका, इसलिए इनके जरिए मत भेजना। लेंचो, और आगे अपना सिग्नेचर करता है लेंचो। तो इस तरह से ये कहानी या कहें ये चैप्टर इस तरह से समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो, हमारा पढ़ाया गया पसंद आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों के पास भी इसको बांटते रहिए और ज्ञान लेते रहिए। हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे।